नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लेके आए जनरेटर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हुआ आपके आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को किसके द्वारा कम कर सकते हैं? पोल शू को समतल मुख का बनाकर, उसके बाद है आर्मेचर एम्पियर टर्नों की तुलना में क्षेत्र एम्पियर टर्नों को बढ़ाकर, ध्रुव के अर्ध भाग के नीचे फ्लक्स घनत्व बढ़ाकर, जनरेटर के घूर्णन की दिशा को मोटर के घूर्णन की दिशा में समान रखकर, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका हो जाएगा हमारे पास आर्मेचर एम्पियर टर्नों की तुलना में फील्ड वाइंडिंग जो है उसके एम्पियर टर्नों को बढ़ाकर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। और इसके अलावा जो है हम क्रॉस चुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, सेकंड क्वेश्चन है, डीसी मशीन में प्रतिगामी वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए क्या शर्त होती है? जल्दी से बताइए क्या होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टीवी और जो है फ्रंट पिच, बैक पिच जो है हमारे पास ये है टीबी, और फ्रंट पिच जो है ये हमारे पास वाईआर, यानी कि बैक पिच जो है उसका मान जो है फ्रंट पिच से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर के लिए उत्पन्न ईएमएफ पाथ द्वारा दिया जाता है, फाइव फ्लक्स प्रति वेबर पोल है और जेड है आर्मेचर चालकों की संख्या, आरपीएम है एन हमारे पास। तो यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ पे पूछा गया लैप वाउंड जनरेटर के अंदर, लैप वाउंड जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन पूछी गई है, क्या हो जाएगी जल्दी से बताइए दोस्तों। लैप वाउंड जनरेटर के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए लैप वाउंड जो होता है उसमें समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, तो बैक ईएमएफ जो होता है वो होता है दोस्तों फाइव जेड एन पी अपॉन 16 V, ये ध्यान रखना है। और जो हमारे पास वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की संख्या दो होती है, तो इसलिए नीचे गुणा होगा तो ये हो जाएगा नीचे 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, फाइव जेड अपॉन 16 V, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक डीसी मशीन जिसमें पोल में सीरीज फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही दिशा में चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन करते हैं ताकि बढ़ते भार के साथ परिणामी वायु अंतराल फ्लक्स बढ़े, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, कौन सी होती है कॉमुलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं, ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स का क्या करता है, सहयोग करता है, जिससे उसमें जो है भार बढ़ने के साथ साथ जो है वायु अंतराल में फ्लक्स बढ़ता है और जो है आउटपुट वोल्टेज जो है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सीधे ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, कौन बदलता है? ये होता है मैग्नेटो हाइड्रोडाइनमिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप प्रतिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाला डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है? कंपनसेशन लोड वाले स्थानों पर किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। किस जनरेटर का यूज़ करते हैं हम? डीसी सीरीज जनरेटर, जिसे हम बूस्टर के रूप में भी यूज़ करते हैं, बूस्टर ही कहते हैं, यानी कि जहाँ पर वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, पार्श्व जनरेटर में अंतर ध्रुव वाइंडिंग वहन करती है, जो शंट जनरेटर होता है उसमें इंटरपोल वाइंडिंग जो है कहां पर स्थापित की जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। इंटरपोल वाइंडिंग जो है कहां पर स्थापित करते हैं हम डीसी शंट जनरेटर में? आर्मेचर धारा जो है इंटरपोल वाइंडिंग जो है वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी मशीन के प्रयुक्त वोल्टेज यदि 220 वोल्ट हो तो अधिकतम विकसित शक्ति बैक ईएमएफ होगा। देखिए, जो मोटर होती है उसमें अधिकतम शक्ति जो होती है सप्लाई वोल्टेज का जो है बैक ईएमएफ आधा हो जाए तो उस समय जो है मोटर अधिकतम दक्षता देती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, बटे दो करेंगे तो लगभग 110 वोल्ट आएगा,
लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका सही आंसर लगभग जो है 115 वोल्ट हम मान सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डीसी मशीन के केस में अधिकतम दक्षता पर लोड धारा होगी, एक डीसी मशीन के केस में अधिकतम दक्षता पर लोड धारा का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये जो है IL है, लोड धारा पूछी गई है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कांस्टेंट लॉस अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना है, स्थिर हानियां अपॉन आर्मेचर प्रतिरोध जो है इसका रूट करने पर जो है हमारे पास जो है मिलता है अधिकतम दक्षता पर लोड धारा जो होती। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, डीसी मशीन में लोहा हानियां जो है किस कारण से होती हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों किस कारण से होती हैं, उपरोक्त सभी में से, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसके बाद है राइज टेम्परेचर, वेंटिलेशन जो है एयर उसका राइज टेम्परेचर होगा, तो इन सभी के कारण जो है हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बनाए रखने के लिए रखने पर आरंभ होते समय आर्मेचर धारा को घटाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग, जल्दी से बताइए, RF अधिकतम होगा, RA न्यूनतम होगा, उसके फील्ड रेजिस्टेंस अधिकतम होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस अधिक होगा, फील्ड रेजिस्टेंस जो है कम होगा, जल्दी से बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा D, जो है आर्मेचर रेजिस्टेंस अधिकतम और फील्ड रेजिस्टेंस जो है न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है किस स्थान पर लगाई जाती है, कहाँ पर लगाते हैं इसे हम, पोल शू पर हम जो है इसे स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जनरेटर में वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार की मशीन के लिए किया जाता है, जनरेटर में वेव वाइंडिंग किस लिए होती है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी श्रेणी जनित्र में भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन में डिक्रीज, पहले तो बढ़ेगी बाद में क्या हो जाती है, घट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, एक डीसी जनित्र की वोल्टेज को बढ़ाने की सरल विधि कौन सी है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु अंतराल घनत्व को कम करके, घूर्णन गति को बढ़ाकर, घूर्णन गति को घटाकर, आर्मेचर की लंबाई को बढ़ाकर, जल्दी से बताइए। देखिए हम पढ़ते हैं बैक EMF जो होता है फाई जेड एन पी, तो ई बी किसके समानुपाती हो गया, एन के, तो हम कह सकते हैं जो घूर्णन गति है उसको बढ़ाकर जो है हम उसकी जो है वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, विद्युत यांत्रिक वोल्टेज नियामकों का साधारणतः उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेशन जो होते हैं कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर जनरेटर सिस्टम में यूज़ होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, और वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य जो है वोल्टेज स्तर प्रदान करने के लिए किया जाता है, एक स्थिर वोल्टेज जो है, अधिकतम दक्षता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानियाँ और लोहा हानियाँ क्या हो जाएंगी दोस्तों, अधिकतम दक्षता कब प्राप्त क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, जब दोनों इक्वल होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, डीसी मशीन में ब्रश संपर्क हानियां होती हैं, क्या हो जाएगा आंसर इसका, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के समानुपाती, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के समानुपाती, ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि ब्रश पर जो है लगभग 2 वोल्ट के आसपास जो है हम वोल्टेज ड्रॉप को मानते हैं, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वहाँ पर जो है कम्यूटेशन के कारण होती है, स्पार्किंग के कारण जो है लगभग 2% जो है वोल्टेज ड्रॉप हम मानते हैं, धारा के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस सीमा के कारण डीसी जनरेटर जो है इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वो 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट ही उत्पन्न नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकता, क्या कारण है इसका, इसका मुख्य कारण है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के कारण जो है डीसी जनरेटर इस प्रकार होते हैं ताकि 650 वोल्ट से आर्मेचर
वोल्टेज विकसित ना हो। अधिक वोल्टेज होने से कम्यूटेशन की समस्या ज़्यादा होगी और कम्यूटेटर जो है करंट कन्वर्सेशन का कार्य करता है। कम्यूटेटर का काम सिर्फ एक ही है, जो करंट होती है उसको जो है एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए दोस्तों, डीसी धारा जनित्र में को कम करने के लिए डम्मी कुंडली का यूज करते हैं। डम्मी कॉइल जो होती हैं किस लिए यूज की जाती हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। किस लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, इसका यूज़ करते हैं हम मैकेनिकल असंतुलन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, आंतरिक अभिलक्षण निम्न में से किसके बीच खींचा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, डीसी जनरेटरों में इंटरनल करैक्टरिस्टिक किसके बीच खींची जाती है। ये खींची जाती है जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर धारा के बीच खींची जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, एक डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध संदर्भित होता है। एक डीसी जनरेटर का जो है क्रांतिक प्रतिरोध जो है किसके रेफरेंस में दिया जाता है, ये होता है फील्ड क्षेत्र जो होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके प्रतिरोध को ही हम लगभग क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं। लिख लिया सबने, क्योंकि नो लोड पर जो है फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित नहीं होगी और इस कारण से फील्ड फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा नो लोड पर, और इसलिए नो लोड पर वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ध्यान रखना, और क्रिटिकल प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज उत्पन्न करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, डीसी जनित्र की दक्षता अधिकतम कब होगी, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक डीसी जनित्र है उसकी दक्षता अधिकतम किस समय होगी, जब स्थिर वन अपॉन जो है कांस्टेंट लॉस माइनस वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस, इस प्रकार से ये जल्दी से बताइए बराबर वन है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा वेरिएबल लॉस माइनस कॉन्स्टेंट लॉस बराबर जीरो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य क्या है। पोल शू क्या कार्य करते हैं दोस्तों, पोल शू होते हैं समान रूप से फ्लक्स को वितरित करने के लिए, आर्मेचर की परिधि पर समान रूप से फ्लक्स को वितरित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, एक डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट अभिलक्षण जो है, खुला परिपथ अभिलक्षण जो है किस नाम से जाना जाता है, ये होता है नो लोड सैचुरेशन। नो लोड, नो लोड जो होती है उसे ओपन सर्किट भी कहते हैं डीसी जनरेटरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनित्र की कुल या आंतरिक अभिलक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है। इंटरनल करैक्टरिस्टिक जो है किस रूप में जो है डीसी जनित्र में दिखाई जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस रूप में हम जो है दर्शाते हैं इंटरनल करैक्टरिस्टिक को, क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास शून्य भार पर जनित्र का विद्युत वाहक बल और आर्मेचर धारा में संबंध होता है नो लोड पर, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें इस प्रकार से, ये है आर्मेचर धारा दोस्तों, ये है हमारे पास नो लोड पर जो है हमारे पास उत्पन्न ईएमएफ, और इसके बीच जो है इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, प्रतिकारी वाइंडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है इसका यूज़ किस लिए प्रयोग होता है, जब भार क्या होता है, भार में क्या होती है, जल्दी से बताइए किस लिए यूज़ करते हैं हम इसका। बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है भार के अंदर तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि लोड जो है बार बार चेंज होगा तो ऐसे स्थानों पर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी के लिए, वेव वाइंडिंग किसके लिए प्रयोग की जाती है। वेव वाइंडिंग जो है किस लिए प्रयोग की जाती है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस लिए यूज़ करते हैं हम। ओम उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के डीसी जनरेटरों में हम वेव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पूर्ण भार पर डीसी धारा दिष्ट धारा डीसी वाली बड़ी मशीनों के लिए दिक परिवर्तन परिस्थिति की जांच हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा टेस्ट जो है यहाँ पर किया जाता है, जल्दी से बताइए। फुल लोड पर डीसी मशीनों में, बड़ी मशीनों में जो है कम्यूटेटर की जांच किस प्रकार की होगी, ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट, किस प्रकार का, ये होता है दोस्तों हॉपकिंसन टेस्ट जो है फुल लोड पर जो है किया जाता है, ध्यान रखना।
इससे जो है हम कम्यूटेटर की परिस्थिति की जांच कर सकते हैं, और इस टेस्ट के दौरान जो है हम जो है फुल लोड पर जो है मशीन को ऑपरेट करते हैं और सर्किट द्वारा ली गई पावर दोनों मशीनों के अंदर जो है लॉस को बताती हैं। ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, एक डीसी मशीन की दक्षता को निर्धारित करने वाला जो कारक है वो क्या है? जल्दी से बताइए, कौन सा ब्रेक टेस्ट होगा? दक्षता को जांचने के लिए हम किस प्रकार के ब्रेक टेस्ट का यूज़ करते हैं? वो होता है हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होती है जिसके अंदर आता है हमारे पास रोप टेस्ट वगैरह जो आते हैं वो सभी इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मशीन में चर क्षय होता है। क्या होता है दोस्तों? डीसी शंट मशीन में वेरिएबल लॉस क्या होते हैं? ये होते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस जो होते हैं, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, क्या होगा दोस्तों इस समय? क्या होगा? उत्पन्न ईएमएफ जो है सीधे अनुपात में बढ़ोतरी होती है, फील्ड करंट में वृद्धि होगी तो क्या होगा हमारे पास? देखिए, बैक ईएमएफ हम पढ़ते हैं 5ZNP/16A, तो हमारे पास जो ईजी है वो है हमारे पास फ्लक्स और उसके जो गति है उसके समानुपाती, तो हम कह सकते हैं जो धारा होती है वो फ्लक्स के क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी, सीधे अनुपात में बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता कब होगी? कब होगी दोस्तों? जब हमारे पास कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिमाण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया का परिमाण? क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारे पास मुख्य ध्रुव के सिरे विचुंबकीकरण और पिछले ध्रुव के सिरे जो है चुंबकीकरण होंगे, ये ध्यान रखना। मुख्य ध्रुव के सिरे यानी कि जो ट्रेलिंग पोल लीडिंग पोल टिप है और ट्रेलिंग पोल टिप जो है उसके बीच का संबंध बता रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो लीडिंग पोल टिप होगी उस पर डी मैग्नेटाइजेशन होगा और ट्रेलिंग पोल टिप जो है उस पर मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लशिंग का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये होती है कोई कई बार क्या होता है डीसी जनरेटर को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो जाता है, अवशिष्ट चुंबक को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम फील्ड फ्लशिंग का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी डीसी स्रोत द्वारा अवशिष्ट चुंबक को उत्पन्न करना, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट है, एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का श्रृंखला क्षेत्र किसमें उत्तेजित होता है? किससे उत्तेजित होगा? शॉर्ट शंट जनरेटर जो है उसका जो है सीरीज क्षेत्र किससे होगा दोस्तों? ये होगा हमारे पास भार धारा से उत्तेजित, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी के लिए, निम्नलिखित सूची जो है इसके साथ जो है सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जनरेटर के प्रकार दिए गए हैं, यहाँ उसकी मुख्य विशेषताएँ दी गई हैं। तो देखिए, जो सीरीज जनरेटर होता है हमारे पास उसमें क्या है, ये बढ़ता है, उसके बाद सबसे उत्तेजित जनरेटर लगभग स्थायी वोल्टेज देता है, शंट वाउंड जो होती है इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड में तेजी से गिरावट, इसका मतलब लगभग सारे जो हैं सही से मिले हुए हैं, इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करते हैं? करंट जनरेटर में जो है किस प्रमेय का यूज़ करते हैं? नॉर्टन थ्योरियम जो है उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों के एक पोल पिच होगा, एक पोल पिच जो है विद्युत मशीनों में क्या होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, होती है बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रियां होती हैं, उससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए दोस्तों, जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है तो निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर स्थिर वोल्टेज पर शक्ति नहीं दे सकता? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा डीसी जनरेटर जो है शक्ति नहीं दे सकता? ये हो जाएगा हमारे पास शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए,
डीसी जनरेटर का क्रिटिकल प्रतिरोध होता है। क्रिटिकल प्रतिरोध क्या होती है जल्दी से बताइए दोस्तों। क्रिटिकल प्रतिरोध मैंने पीछे भी बताया था आपको, ये एक प्रकार से फील्ड प्रतिरोध ही होता है। वह अधिकतम क्षेत्र प्रतिरोध जिसके लिए जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है उसे हम क्रिटिकल प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन के ब्रशेस कार्बन के बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं दोस्तों? कार्बन के ब्रश, ये आपको पता ही होना चाहिए। किस लिए? कम्यूटेटर के टूट और फूट जो होती है उसको कम करने के लिए, टूट फूट जो है उसको कम करने के लिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। दूसरा, ये लुब्रिकेशन का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड की सप्लाई को किससे टेप किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे करते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए, किससे किया जाता है? ये होती है अपने पास ब्रश और कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, यदि जनरेटर वोल्टेज नहीं मना रहा तो निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है दोस्तों? आर्मेचर की स्पीड कम हो सकती है, ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि जनरेटर वोल्टेज जो है किसके, हमने पढ़ा है जो बैक ईएमएफ होती है वो सप्लाई उसकी जो गति उसके समानुपाती, स्पीड कम है तो बैक ईएमएफ जो है उत्पन्न नहीं होगा ईएमएफ। जनरेटर को वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए जो है स्पीड जो है उसकी क्रिटिकल स्पीड से अधिक होनी चाहिए। यदि स्पीड का मान क्रिटिकल स्पीड से कम होगा तो जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी के लिए, आर्मेचर कोर में उपयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थों निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए जल्दी से बताइए? कम पारगम्यता, अधिक हिस्टेरेसिस हानि, अधिक पारगम्यता, अधिक हिस्टेरेसिस हानि, कम पारगम्यता, कम हिस्टेरेसिस हानि, अधिक पारगम्यता, कम हिस्टेरेसिस हानि। इसका हो जाएगा अच्छी परमिएबिलिटी और जो है कम हिस्टेरेसिस हानियाँ। जल्दी से नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीसी जनरेटर में लोड पर रिक्त स्थान में एयर गैप फ्लक्स वितरण किस प्रकार का होता है जल्दी से बताइए दोस्तों? ये जो है किस प्रकार का वितरण होता है यहाँ पर, ये होता है हमारे पास फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप जो है टाइप का जो है फ्लक्स वितरण होती है एयर गैप वाले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीसी जनित्र में भार से अप्रभावित होकर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पर स्थिर वोल्टेज कौन प्रदान करेगा? कौन सा जनरेटर होता है वो? लेवल कंपाउंड जनरेटर, जिसकी वोल्टेज लगभग जो है स्थिर रहती है। खराब वोल्टेज रेगुलेशन निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर का होता है? और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कौन सा जनरेटर होता है? सीरीज जनरेटर, जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो है सबसे बेकार टाइप की होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए दोस्तों, किस डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध के, डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके होता है? गति के समानुपाती होता है, क्योंकि गति जब क्रिटिकल स्पीड पे जाएगा तभी जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर में सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं? किस प्रकार की वाइंडिंग जो है वेल्डिंग जनरेटर में यूज़ की जाती है? कैसी वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम दोस्तों बताइए जल्दी से? इसमें हम यूज़ करते हैं लैप वाइंडिंग का जो है हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।